जोहर दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में जोहर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यानी JSSC तरफ से ग्रुप सी के लिए रिम्स में निकला है बम्पर बहाली। और बहाली क्या है दोस्तों और कब से फॉर्म भराया जाना है, सिलेबस क्या है, तो आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहे एंड इस चैनल में नए होंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब यहाँ पे आप लोग को जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नहीं है, तो आप लोग को इस वीडियो में सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, रांची अंतर्गत 33 श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती यानी कि ग्रुप सी के लिए जॉब निकला है दोस्तों, जो कि विज्ञापन संख्या 19/2022 है। देखिए नोटिफिकेशन में, नोटिस में क्या दिया है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अंतर्गत राजेंद्र आयुर्वेद आयु विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में 33 श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में रिम्स रांची अंतर्गत 33 श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन तिथि 1 नवंबर 2022 से 29 नवंबर 2022 की मध्यरात्रि तक भरा जाएगा। आवेदन सभी विकसित निकाय आयोग के वेबसाइट में दिया गया है दोस्तों। और पेमेंट करने की डेट है 2 दिसंबर 2022 की मध्यरात्रि तक और फोटो एंड सिग्नेचर करने का डेट है 5/12/2022 की मध्यरात्रि तक लिंक रहेगा। और एडिट की बात करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं 7 दिसंबर 2022 से लेकर 9 दिसंबर 2022 की मध्यरात्रि तक रहेगा, जिसमें से आप लोग का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर सारा मतलब आप ये लोग एडिट कर सकते हैं, जो भी गलत रहेगा देख सकते हैं, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के जितना भी गलती हुआ होगा आप लोग 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में एडिट कर सकते हैं। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों परीक्षा शुल्क की सबसे पहले बात करते हैं, तो परीक्षा शुल्क आप लोगों को 100 रुपया लगेगा, जिसमें से झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 50 रुपया रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट, देखिए हेल्थ एजुकेटर का है, महिला अधीक्षक का है, आशुलिपि लेखपाल का है, एक्सरे मैकेनिको का है, ECG टेक्नीशियन का है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए किसका किसका है नहीं है। आप लोग इसका लिंक हम PDF में डाल देंगे, जोहार एग्ज़ाम तो वहाँ पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है, रेडियोथेरेपी के लिए है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, ABG टेक्नीशियन के लिए है, देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है। अब दोस्तों बात करते हैं पे स्केल के यानी वेतनमान कितना रहेगा। हेल्थ एजुकेटर के लिए आप लोगों को 35,400 लेके 1,12,400 रुपये यानी 6 लेवल में मिलेगा। और देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आप लोग का रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MA या MSc मनोविज्ञान के साथ होना चाहिए, अन्य कोई शर्त लेकर डिजरेबल MPhil इन क्लिनिकल फिलोसफी में चाहिए। और देखिए अनुभव आप लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। देख सकते हैं महिला अधीक्षक के लिए है, इसमें भी 35,400 रुपये से लेकर आप लोग का 1,12,400 रुपये तक मिलेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करते तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए, इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन हाउसकीपिंग, मैट्रियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट, ये सब रहेगा। देखिए एक्सपीरियंस के पर्सन यूजिंग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडिंग हॉस्टल इन गवर्नमेंट रिपोर्टेड या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे हम PDF डाल देंगे, इतना बताएंगे तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। आप लोग को बता देंगे कब से कब तक फॉर्म भराएगा, वो काफ़ी है। देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका की स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तकनीकी योग्यता
अन्य अनिवार्य शर्त तथा स्तंभ चार पर अंकित अनुभव धारित करना अनिवार्य हो, अर्थात शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि अंतिम तिथि का आधार माना जाए। यदि कोई अभ्यर्थी स्थिति तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे, यानी कि वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं शैक्षणिक न्यूनतम आयु की, तो इसमें 18 वर्ष न्यूनतम रहेगा। अधिकतम की बात करते हैं तो आप लोग का अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर के लिए 35 वर्ष रहेगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रहेगा, महिला के लिए 38 वर्ष रहेगा। जैसे कि अनारक्षित अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए रहेगा 40 साल। दोस्तों तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बराबर बताइए, एंड इस चैनल में नए होंगे तो फिर से बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्या है कि आप लोग रोजाना की तरह जो भी नोटिफिकेशन आता है जॉब के रिलेटेड, इंडिया ऑल ओवर इंडिया हो गया, झारखंड हो गया, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को वीडियो देखने को मिलता है, आप लोग देखना ना भूलें। और जितने भी अभी बताए हैं सब लोग फॉर्म सबसे पहले जाके बोलेंगे कैफे वगैरह में या फिर अपने खुद से भर लें, क्या है कि जितना जल्दी भरिएगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा, लेट से भरिएगा तो सर्वर डाउन हो जाता है जिसके वजह से आप लोग का फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाइएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जाके सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।